बनके मीडिया पर वीडियो हम सबको शुक्रिया करना चाहते हैं कि इतना शॉर्ट नोटिस में हम लोग आए और इस टाइम पे एक क्राइसिस की सिचुएशन है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हम लोग देख रहे हैं। तो पहले कि मैं अपना बात शुरू करूँ, मैं थोड़ा टाइमलाइन में जाऊँगी कि ये कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है और आज इस मुकाम तक हम जब पहुँचे हैं तो ये सिचुएशन कैसे लीड किया है। आज जो आप देख रहे हैं इतने सारे स्टूडेंट्स आपके पीछे, मेरे पीछे यहाँ पे हैं, तो क्यों, व्हाट हैज़ लेड टू दिस स्टूडेंट्स गैदरिंग आउट। 3 अक्टूबर का दिन था 2019 जब एक ड्राफ्ट हॉस्टल मैनुअल को पब्लिक डोमेन में लाया जाता है ये बोलते हुए कि ये आपका ड्राफ्ट हॉस्टल मैनुअल है जिसपे कुछ नए क्लॉजेस हैं जिसपे आपको पढ़ना है, सजेशन देना है 18 अक्टूबर दोपहर के 12 बजे। ये जब पब्लिक डोमेन में जाता है तो हर कोई स्टूडेंट उसको पढ़ता है। पढ़ने के बाद हम लोग JNUSU की तरफ से उसके पढ़ते हैं, सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स अपने कंसर्न लेके JNU स्टूडेंट्स यूनियन के पास आते हैं कि जो ड्राफ्ट मैनुअल को पब्लिक किया गया है वो काफ़ी एक रिग्रेसिव मैनुअल है जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो कर्फ्यू टाइमिंग है उसको लाया जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि आप कैसे तरीके के कपड़े पहन के आपके मेस में आओगे एंड विद दैट अ काइंड ऑफ फी हाइक विच इज़ मोर देन 1000%। नाउ द पॉइंट कि एक बहुत स्टेप था कि डीन ऑफ स्टूडेंट्स के ऑफिस से ये बोला गया कि इस ड्राफ्ट पे चर्चा हो स्टूडेंट कम्युनिटी में और चर्चा हो के 18 तारीख के दोपहर के 12 बजे तक हमें रिव्यूज़ मिले, हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट से मेल मिले कि जो भी मेल में आएगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे और इस ड्राफ्ट को उस हिसाब से नेक्स्ट IHM जो IHM मीटिंग सामने वाले टाइम में होगा उसमें लाया जाएगा। 2-3 दिन के बाद इमीडिएटली एक और नोटिफिकेशन आता है ये बोलते हुए कि इंटर हॉल एडमिनिस्ट्रेशन जो IHA का मीटिंग है जिसमें हॉस्टल के बारे में डिस्कस किया जाता है वो मीटिंग 18 तारीख को ही दोपहर के 3 बजे रखा जाए। ये जब नोटिस आता है तो JNUSU के साथ साथ जितने भी हॉस्टल के प्रेसिडेंट से हम लोग वेट करते हैं कि हम लोगों को बुलाया जाए। इवेंचुअली देखा जाता है कि हॉस्टल प्रेसिडेंट को बुलाया जाता है लेकिन JNU स्टूडेंट्स यूनियन के 4 मेंबर्स जो हैं जिसमें से प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और JNUSU की तरफ से जो IHA कन्वीनर है बुलाया जाता है 3 मेंबर्स, उनको कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है ये बोलते हुए कि आप मीटिंग अटेंड। लेकिन तब तक जो पीरियड हमें मिला था 3 अक्टूबर to 18 अक्टूबर हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स ने अपने मेल से मेल किया है डीन ऑफ स्टूडेंट्स को ये बोलते हुए कि दिस इज़ वन ऑफ द ड्राफ्ट विच इज़ क्वाइट रिग्रेसिव और इसको आप IHA मीटिंग में मत फेस कीजिए बिकॉज इसके अंदर सारे क्लॉजेस का क्या क्या प्रॉब्लम है, रिजर्वेशन को ख़त्म किया गया है उसको लेके पहले भी हम लोग ने एक प्रेस में स्टेटमेंट भी दिया है और रिलीज भी किया कि वहाँ पर रिजर्वेशन ख़त्म किया गया है, फी हाइक के बारे में बोला गया और पिछले के मैनुअल अगर आप देखेंगे कोई भी हॉस्टल मैनुअल आप डाउनलोड करके देखेंगे तो वहाँ पे जो फी स्ट्रक्चर होता था वो निर्धारित रहता था, इस मैनुअल में एकदम एम्बिगुअस है। मतलब आप कभी भी फीस बढ़ा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ नहीं डेफिनेटली बोला जाता। इसके साथ JNU स्टूडेंट्स यूनियन ने भी अपना स्टेटमेंट निकाला ये बोलते हैं कि ये IHA मीटिंग होना चाहिए, अगर होगा तो JNU स्टूडेंट्स यूनियन के साथ साथ हॉस्टल प्रेसिडेंट के साथ होगा और साथ साथ जो स्टूडेंट्स ने अपनी रिव्यू दी है इस ड्राफ्ट को लेते हुए ये बोलते हुए बहुत क्लियर कि इस ड्राफ्ट को हम नहीं मानते हैं तो उसको कंसिडर इमीडिएटली डीन ऑफ स्टूडेंट्स करें बिफोर टेकिंग अ डिसीजन विच इज ड्रास्टिकली गोइंग टू चेंज द लाइफ ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन दिस यूनिवर्सिटी ऑल्सो अबाउट दी अपकमिंग जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स। इसके बाद 18 तारीख की मीटिंग को पोस्टपोन किया, पोस्टपोन करके 28 अक्टूबर को रखा जाता है सुबह के 9:10 बजे। इसके बाद 10 दिन का गैप रहता है, हम लोग फिर से हॉस्टल प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करते हैं, हॉस्टल से GPM होता है और वहाँ से भी एक क्लियर पिक्चर हमारे पास फिर से आ जाता है कि हर एक कम्युनिटी, स्टूडेंट कम्युनिटी JNU का इसको इन टोटल रिजेक्ट करने का एक वॉइस देता है और बोलता है कि अगर IHA मीटिंग इस यूनिवर्सिटी के अंदर होगा तो वो JNU स्टूडेंट यूनियन के साथ होगा और हॉस्टल प्रेसिडेंट्स के साथ होगा और हॉस्टल प्रेसिडेंट तब से साथ में SFCs जो हमारे हैं लगातार JNUSU के साथ साथ इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुक्रिया कि आज इस तरीके से हम लोग जो यूनाइटेड एक स्ट्रगल कर पा रहे हैं वो उनके बगैर नहीं होगा। और इसके साथ जब 28 तारीख के मीटिंग में जाते हैं तो प्रोफेसर उमेश कदम जो चेयर करते हैं उस मीटिंग को सुबह के 10 बजे,
उनको हम लोग बाहर से पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब आई सी मीटिंग में जा रहे हो आप JNUSU को आइधर अंदर बुलाए, तो वहाँ पे नहीं बुलाते, हम लोग अंदर जाते हैं, फिर वहाँ से वो मीटिंग को एडजॉइन किया जाता है, मीटिंग फिर से बुलाया जाता है दोपहर के 3 बजे, जिसका नोटिफिकेशन 2:50 को आता है हॉस्टल प्रेसिडेंट्स। व्हेन द मीटिंग वॉज एडजॉइंड एट 10 AM इन द मॉर्निंग, हॉस्टल प्रेसिडेंट्स को ये भी नहीं बोला गया था कि आज बुलाया जाएगा, कल बुलाया जाएगा, कब एडजॉइन होगा। बहुत सारे हॉस्टल प्रेसिडेंट्स ने मेसेंस को मेल तक भी नहीं मिला था, जब तक उन्होंने चेक किया था मेल, इट वॉज ऑलरेडी 4:00 इन द इवनिंग और तब तक मीटिंग खत्म हो चुकी थी। हाउ डिड द मीटिंग टेक प्लेस, द IHA मीटिंग ऑन 28th October, इसको थोड़ा 11th ही बोलना चाहिए, 28 तारीख की 3 बजे जब मीटिंग को बुलाया गया, तब प्रोफेसर उमेश कदम हॉस्पिटल में थे, मतलब हेल्थ सेंटर में थे, और यहाँ पे पावर ट्रांसफर किया गया एसोसिएट डीन ऑफ स्टूडेंट्स डॉक्टर वंदना मिश्रा, उन्होंने मीटिंग रिकन्वेंट करवाया जब हॉस्टल प्रेसिडेंट से हॉस्टल प्रेसिडेंट्स में से 3 लोग प्रेजेंट थे, हॉस्टल प्रेसिडेंट्स में से 3 लोग सिर्फ प्रेजेंट थे, बाकी कौन से लोग थे किसी को नहीं पता है, कोई तो उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है किसी के पास। जो हॉस्टल प्रेसिडेंट्स वहाँ पे पहुँच पाए थे 3 लोग, वो जाके अपना डिसेंट दिए, बाकी हॉस्टल प्रेसिडेंट जब तक वहाँ पहुँचे 10 मिनट में मीटिंग खत्म हो गया। उनको स्लाइड्स में दिखाया गया कि ये है, ये हॉस्टल में न्यू चेंजेस है, पास। इस तरीके से इस टाइम पे JNU में मीटिंग्स हो रही है, आपको स्लाइड में दिखाया जा रहा है और सब कुछ पास करवाया जा रहा है। तो दिस वॉज द कंडीशन इन विच द IHA मीटिंग टुक प्लेस ऑन द 28th October। जब हमें पता चला कि ये कंडीशन है, हम लोग इमीडिएटली एज अ स्टूडेंट कम्युनिटी JNUSU ने कॉल लिया कि वी आर गोइंग फॉर अ स्ट्राइक। लास्ट 15 दिन से मीडिया को भी पता है, हर एक 2 दिन में हम लोग प्रेस रिलीज ला रहे हैं, जब हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि हम स्ट्राइक पे है क्योंकि हम पढ़ना चाहते हैं। स्ट्राइक के दौरान भी स्टूडेंट्स टेफ्लाज में क्लासेस किए हैं, एग्जाम्स दिए हैं, उसके काफ़ी पिक्चर्स बाहर गए हैं कि हमारी लड़ाई इस टाइम पे आ रही है, इज द फाइट फॉर अ राइट टू स्टडी एंड दैट इज़ वेयर द स्ट्रगल स्टार्ट। हम ये बोल रहे हैं जो फैक्चुअल डेटा है वो साकेत आपको देख रहा है, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में जा रही हूँ इसकी जो पॉलिटिक्स है उसको थोड़ा मतलब बोलने के लिए कि आखिर में JNU में क्या चल रहा है। एक हॉस्टल मैनुअल में आप 1000% PI कर देते, आपको पता है कि ये ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है, JNU का मतलब ये सिर्फ दीवार, ये हैंड ब्लॉक ये नहीं है। यहाँ पे आप जितने स्टूडेंट्स देख रहे हो उनकी जो सोच है, हम लोग जो सब बैठे हैं यहाँ पे, हम सबकी आइडिया से JNU बनता है एंड JNU हैज ऑलवेज अपहेल्ड द आइडिया ऑफ पब्लिक एजुकेशन। आज अगर अटैक है तो उस आइडिया ऑफ पब्लिक एजुकेशन पे, जहाँ पे क्लियरली ऐसा एक हॉस्टल PI होगा तो जो पिछड़े तबके के स्टूडेंट्स हैं वो नहीं आ पाए। और यहाँ पे इकोनॉमिक बैकग्राउंड की एक बात है, साथ साथ एक सोशल लोकेशन की भी बात है। और मैं इसको क्यों बोल रही हूँ और मैं थोड़ा इलेबोरेटली जानना चाहती हूँ आज, क्योंकि काफ़ी मिसकंसेप्शन है इसको लेकर। इस यूनिवर्सिटी में 50% से ज़्यादा महिलाएं पढ़ते हैं। अगर आप देखोगे, मैं खुद की एग्जांपल ले लेते हैं, आज अगर मैं MPhil में कर पा रही हूँ कोर्स, और मैं अगर बंगाल से उठ के दिल्ली में आ पाई हूँ, इट वॉज ओनली दैट एक्सेसिबल अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर ऑफ 283 rupees which made me fight with my parents that I can sustain on my scholarship of non-net, which is not affordable and I'm not saying justified, but अभी भी वो 5000 का जो non-net है, जब जिसका मांग हम लोग अभी भी कर रहे हैं कि बढ़ाना चाहिए, लेकिन अभी भी वो 5000 का non-net है जो मुझे ये पावर देता है कि आज एक लड़की होने के बावजूद मैं आके यहाँ अपना डिग्री को कंटिन्यू कर पाऊँ, अपने बलबूते पे एक PhD हासिल कर पाऊँ। And I am the first woman in my family to get, maybe to complete a PhD. I am in my MPhil.
तो ऐसे हजारों सपने हैं जो अभी जेएनयू में पढ़ रहे हैं जिनका खत्म हो जाएगा। और जब आज जेएनयू से कोई भी लड़की या पिछले तबके के लोग इस मॉडल को बचाने की बात कर रही है, वो सिर्फ इस एग्जिस्टिंग जनरेशन की बात नहीं कर रही, हम आने वाले लोग जो इस यूनिवर्सिटी में आ ही नहीं पाएंगे उनका भी बात कर। जब हम लोग डीयू में बहुत लोग यहाँ पे पढ़ के आए थे, दे हैव क्लियरली टोल्ड दैट व्हाट इज द प्रॉब्लमेटिक स्ट्रक्चर।